स्थानीय विवाह भवन 0 Mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी राज्यपाल? वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर, व्यापारियों ने आयोजित की संवाद गोष्ठी। सीनियर एसपी ने कहा, जल्द ही अपराध पर नियंत्रण और जाम की समस्या से दिलाएंगे निजात। भागलपुर के आस्था गार्डन में चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के बैनर तले संवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के दौरान भागलपुर की सीनियर एसपी नितासा गुड़िया, व्यवसायी सरवन बाजोरिया सहित कई अन्य व्यापारी संगठन के लोग मौजूद थे। इस दौरान जिले में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं, अतिक्रमण और जाम की समस्या पर विस्तार रूप से चर्चा की गई। साथ ही व्यवसायी ने सीनियर एसपी से व्यापारी वर्ग के लोगों की सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक नितासा गुड़िया ने व्यवसायियों की मांग को गंभीरतापूर्वक लेते हुए जल्द ही जिलाधिकारी के साथ बैठक कर समस्या हल किए जाने की बात कही। संभव नहीं है, ये आप लोग भी समझते हैं, क्योंकि मुख्य जैसे खलीफाबाद में ही कहीं कोई पार्किंग का व्यवस्था नहीं है। अब वहाँ पे अगर आएंगे भी तो खड़ा कहाँ करे पार्क। आपके मुझे लगता है कि अगर आपके दुकान में ही कोई कर्मी है वही आता होगा तो वो भी अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा, उसको भी सामने ही गाड़ी चाहिए। लेकिन इस पे जो है हमने वार्ता की, ऐसा नहीं है कि मैंने और जिला पदाधिकारी के द्वारा वार्ता नहीं हुई है। इसमें हम लोगों ने संज्ञान भी लिया है और फिर हम लोगों ने एक संयुक्त टीम भी बनाई और ये तीन पदाधिकारी का हम लोगों ने जिम्मेदारी दी कि आप लोग एक जो है एक रोड मैप बनाएं कि कैसे कैसे हम लोग एक फेज में इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने कहा कि धीरे धीरे करके फेज वाइज छोटे छोटे इलाके ले करके उसको हम लोग जरूर पिक करके धीरे धीरे इसमें कार्य करेंगे। बिहार चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज, ये भागलपुर के 65 साल की संस्था है और इसकी स्थापना व्यापारी वर्ग सामाजिक लोगों के लिए हुई थी। उसी क्रम में हम लोग बढ़ाते हुए एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट किया, जो भागलपुर की अभी ज्वलंत समस्याएं हैं, क्राइम और इंक्रोचमेंट मेन तो है, बाकी छोटी मोटी बातें होती रहती है। दो है जो व्यापारी वर्ग या आने जाने वाले लोग परेशान होते हैं। अब ट्रैफिक समस्या में अगर लें तो कोई बीमारी है तो उनके साथ परेशानी है, कोई स्कूल बच्चों को जाना है तो उसमें परेशानी है, कुनी को जल्दी पहुंचना है तो परेशानी है, किसी को अपने गांव लौटना है तो परेशानी है, और इंक्रोचमेंट की बात लें तो वो किसी तरह भी चल नहीं सकते हैं। तो हम लोगों ने कई सुझाव अपनी संस्था की तरफ से दिया है और एसपी मैडम ने इसको सहज स्वीकार भी किया है। लेकिन एक बात बताया कि देखिए ये ज्वाइंट वेंचर है, आप एक मीटिंग हमारे डीएम साहब के साथ ज्वाइंट मीटिंग करें, मैं उसमें रहूँगी और उसका तत्काल प्रभाव से करेगा बाकी जो मेरे स्तर की चीज़ है, और मैं पूरे प्रयास करके शहर को जो आप लोगों ने सुझाव दिया है उस अनुसार मैं करने का प्रयास करूँगी। और हम लोग को चैम्बर वाले को काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिला, मिलने भी गए तो हम लोग शहर से मिले और जितने भी शहर के जितने भी संस्था के अध्यक्ष महासचिव थे उनको हम लोगों ने बुलाया कि भाई ज़्यादा भीड़ ना हो, बात सामने आए, तो आज सारे लोग आए, सबों ने अपनी बात रखी। अब बड़े धैर्य के साथ हमारी एसपी साहिबा ने सबकी बातों का सुना, हम लोगों ने इनको बुके दिया, इनका सम्मान किया, मेमोंटो दिया, साल दिया। ये जो है ये परंपरा भागलपुर की परंपरा है, क्योंकि ये कर्ण की धरती है कि जो हमारे यहाँ आएगा उनका हम लोग सम्मान करेंगे, उसी के तहत हम लोगों ने सम्मान किया और बहुत अच्छा पॉजिटिव है। आने वाले समय में ये चैम्बर का प्रयास होगा कि हमारे एसपी महोदया, डीएम साहब और म्युनिसिपैलिटी के जो भी नगर आयुक्त होंगे एक ज्वाइंट वेंचर मीटिंग करेंगे ताकि शहर का एक निराकरण हो। ये प्रयास चैम्बर का कि शहर का निराकरण कराना है, जैसे भी लगना हो
लगना होगा, लग के कराना होगा। ये दायित्व बनता है चैम्बर का, चूँकि ये व्यापारी संगठन की चीज़ है, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो और ट्रैफिक हो, ये सब अच्छा हो, ये जवाबदेही बनती है। और इस मिशन को लेकर चैम्बर इस काम को करने के लिए तत्पर है। धन्यवाद। मेरा नाम श्रवण कुमार बाजुरिया, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। आज नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहाँ उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 3 दिवसीय किसान मेला का हुआ शुभारंभ। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेला प्रारंभ हो गया। 22 फरवरी तक चलने वाले किसान मेले का उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, सांसद अजय मंडल, बीएयू के कुलपति आर के सोहाने ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। तकनीक आधारित खेती के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से आयोजित किए गए मेले में 160 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। 3 दिवसीय मेले में तकनीकी तत्वों में कौशल विकास व्याख्याता, किसान वैज्ञानिक संवाद और कृषि उद्यमियों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मेले में भागलपुर, नवगछिया, बांका, मुंगेर सहित आसपास के कई जिले से आए किसान के द्वारा नए नए तरह के औषधीय पेड़, फल, फूल, साग सब्जी के स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही कृषि को बढ़ावा देने के लिए जिला कृषि विभाग के द्वारा नए नए कृषि तकनीक के स्टॉल भी लगाए गए हैं। सर, आज कृषि मेला का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं सर, इस तरह का आयोजन किसानों को बढ़ावा देगा आय में? ये तो है, उद्देश्य तो यही है कि किसानों को बढ़ावा मिले, किसान यहाँ आके जो प्रदर्शन हुआ है उसको देख के, सुन के, समझ के अपने यहाँ जाएं और ये प्रयोग अपने यहाँ करें। जो बजट पेश किया गया सर, उसके बाद जो बिहार में भी रणनीति बनाई जा रही है बजट को लेकर किसानों के, बिहार में जो कृषि नीति बनी है पहले से, आप जानते हैं कि रोड मैप का ये तीसरा हिस्सा अभी चल रहा है 2022 तक। इसमें 2022 तक किसानों की बिल्कुल पक्के तौर पर दुगनी आय करने का तो फैसला लिया गया, और आप देख रहे हैं कि आय दुगनी नहीं, 4 गुना भी हो रही है, 5 गुनी आय बढ़ रही है, 10 गुनी, 20 गुनी आय बढ़ रही है, उसका उदाहरण एग्जीबिशन में देखने को मिल रहा है। सर, चूँकि बिहार जो है वो एक बाढ़ से ग्रसित प्रदेश है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट पे बजट में क्या एक्सपेंडिचर आया है? बजट का एक्सपेंडिचर तो बजट में आएगा, उसको पहले हम नहीं कह सकते। बजट तो बजट में आएगा तो, नहीं तो आपकी गवर्नमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के क्या प्लान किया? लेकिन अब डिजास्टर पर बात करने लगे, कृषि में डिजास्टर कुछ भी नहीं है। डिजास्टर जो है उसका सामना सरकार करती है। देखिए जो किसान है ना, वो किसान डिजास्टर का मुकाबला करना जानता है। भारत का किसान, ओला पड़ना, अधिक वर्षा होना, बाढ़ आ जाना, फसल सूख जाना, उन सबसे किसान लड़ते हैं, और सरकार भी उस मोर्चे पर लड़ रही है। सब कुछ और सारे तौर तरीकों से लैस होकर के सरकार ने प्रोत्साहन निवेश कृषि नीति बनाई है, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। उसी कृषि नीति का परिणाम है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में और लोग आकर्षित हुए हैं, और IIT IIM के जो प्रतिभाएँ हैं वह अपनी बड़ी आमदनी छोड़ करके खेती की ओर आकर्षित हुए हैं और आ रहे हैं। भागलपुर और देखते ही देखते स्कॉर्पियो में लगी आग। भागलपुर के आदमपुर के कोयला घाट रोड स्थित एक फ्लैट के सामने लगी स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते स्कॉर्पियो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि फ्लैट के बाहर स्कॉर्पियो खड़ी थी, अचानक स्टीयरिंग में आग लग गई। चालक ने बुझाना चाहा तो नहीं बुझ पाया, जिसके बाद देखते ही देखते स्कॉर्पियो धू धू कर जल गई। वहीं गाड़ी मालिक के बेटे ने बताया कि रुपौली से भागलपुर शादी का कपड़ा खरीदने आए हुए थे, अपने फ्लैट में फ्रेश होने गए थे, तभी जानकारी मिली कि उनके गाड़ी में आग लग गई। हालांकि गाड़ी में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। खड़ी थी, अचानक स्टीयरिंग में आग लग गया, जिसके कारण ड्राइवर बुझाना चाहा गमछी से, लेकिन नहीं बुझा और ज़्यादा आग का लपट उठ गया, उसके कारण गाड़ी में धू धू करके जलने लगा। कैसे लगा था? अचानक लग गया, बिजली का तार नहीं गिरा था, अचानक लग गया, बिजली का तार नहीं गिरा। किसका गाड़ी?
आपका परिचय? नाम 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 संजय यादव नाम हुआ मेरा, स्थानीय है, लोकल है। टिंगडेगा साहब किस लिए है यहाँ आइटम? ड्रेस ले जाना। क्या चीज है? कपड़ा। कपड़ा अपना अपना ड्रेस ले जाने आए थे हमको, शादी में जाना था। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद फिर हम आए फ्रेश व्रेश होके, जैसे बाहर निकले तो मेरा भाई दौड़ा हुआ उधर से आया, बोला कि गाड़ी में आगे लग गया, तो हमने वहाँ से दौड़े, जब तक मैं देखे पूरा गाड़ी जल गया था। कोई आशंका आपको? नहीं, मेरा भागलपुर में कोई है ही नहीं, तो फिर किसकी आशंका? क्यों लगा दी गई गाड़ी में? हमको कैसे पता चलेगा क्यों लग गया? कार में हम लॉक करके आए, फिर अब पता चला यहाँ से कि लग गया उसमें आगे। नाम आपका? राजा कुमार। कहाँ के रहने वाले? रुपौली। करते क्या? स्टडी करते। गाड़ी किसकी है? मेरी माँ की। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया ट्रेन आने की हो गई सूचना, संपार पर लग गया जाम, मची अफरा तफरी। इमरजेंसी में आउटर पर रोकी गई ट्रेन, टला बड़ा रेल हादसा। नवगछिया मकनपुर चौक से नवगछिया आने वाली सड़क पर शनिवार को पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रही। जाम के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम रहने के कारण कई बार संपार फाटक बंद नहीं होने की स्थिति में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न होती रही। इस दौरान कई ट्रेनों को आउटर सिग्नल पर रुकना पड़ा। इस दौरान संपार कर्मी के द्वारा किसी तरह संपार बंद कर ट्रेन को निकाला गया। इस दौरान एक घंटे से अधिक समय तक लोग जाम में फंसे रहे। शनिवार को एक बार फिर से संपार फाटक पर तैनात संपार कर्मी की तत्परता से बड़ी रेल दुर्घटना टल गई है। शनिवार की दोपहर 1:30 बजे के आसपास एक ट्रेन के गुजरने के बाद संपार को बंद किया गया था। संपार बंद होने के बाद नौगछिया मकनपुर सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। ट्रेन के गुजरने के बाद संपार खुलने के बाद दोनों ओर से आपाधापी कर लोग निकलने लगे, जिस कारण संपार पर भीषण जाम लग गया। इस बीच नौगछिया स्टेशन से सवारी ट्रेन खुल गई और कटरिया स्टेशन की ओर सवारी गाड़ी आ रही थी। दोनों रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगमन की सूचना मिलने पर वहां अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान ट्रेन दिखाई देने लगी, लेकिन जाम रहने के कारण संपार बंद नहीं हो पाया। संपार कर्मी ट्रेन को आता देख लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रोका। संपार बंद होने के बाद दोनों आउटर सिग्नल पर रुक गई। इसके बाद संपार कर्मी ने संपार पर लगे जाम को किसी तरह हटाया एवं हाथ से खींचकर लगने वाले आपातकालीन संपार को बंद किया। इसके बाद आउटर सिग्नल पर खड़ी ट्रेन को निकाला। इस दौरान दोनों ट्रेन 20 मिनट तक आउटर सिग्नल पर रुकी रही। ट्रेन के निकलने के बाद फिर संपार फाटक को खोला गया। नवगछिया दिलीप यादव ने जद्दू यादव से पैसे लेने के लिए किया था अमन का अपहरण। पुलिस ने अमन का न्यायालय में दर्ज कराया 164 का बयान। नौगछिया थाना क्षेत्र के एनएच 31 पर साक्षी धर्मकाटा के समीप से अपराधियों द्वारा अपहरण किए गए बालक रंगरा ओपी के भवानीपुर निवासी सुखो यादव के पुत्र 13 वर्षीय अमन कुमार की बरामदगी के बाद शनिवार को पुलिस ने उसका मेडिकल जांच करवाया एवं न्यायालय में 164 का बयान दर्ज करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। नौगछिया थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि सहरसा जिले के कुमेठा निवासी दिलीप यादव एवं उनके साथी ने मिलकर अमन का अपहरण किया था। अपहरण के बाद अपराधी ने 15 लाख की रंगदारी की मांग की। उन्होंने कहा कि दिलीप यादव का भवानीपुर निवासी जद्दू यादव से लेनदेन का विवाद था। जद्दू यादव ने पैसे लेने को लेकर दिलीप यादव ने उनके परिवार के सदस्य को अपहरण करने की योजना बनाई। 17 फरवरी को जब अमन जद्दू के साथ उसकी मोटरसाइकिल से मकनपुर चौक जा रहा था तो जद्दू यादव की गाड़ी का पेट्रोल समाप्त होने के बाद जब अमन पेट्रोल लेने के लिए जा रहा था तो दिलीप यादव ने जद्दू यादव के परिवार का सदस्य समझकर उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद अमन से ही 15 लाख की फिरौती की मांग करवाया। जद्दू यादव एवं अमन के परिजनों द्वारा जब पुलिस को अपहरण की सूचना दी गई तो अमन की बरामदगी को लेकर पुलिस द्वारा छापेमारी शुरू की गई। थाना अध्यक्ष ने कहा कि 17 की रात को ही दिलीप यादव के रिश्तेदार के घर छापेमारी की गई। पुलिस की दबिश बढ़ने के बाद अपराधी ने अमन को पसराहा में एनएच 31 पर लाकर छोड़ दिया और वहां से फरार हो गया। थाना अध्यक्ष ने कहा कि दिलीप यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था,
मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। तेरह लाख आभूषण की चोरी के मामले में पुलिस के हाथ खाली, तीन संदिग्ध से चल रही पूछताछ। नवगछिया बाजार के छोटी ठाकुरबाड़ी रोड के गणेश कॉम्प्लेक्स में स्थित शुभम ज्वेलर्स में हुए 13 लाख के आभूषण चोरी मामले में घटना के दो दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। नवगछिया शहर में यह सबसे बड़ी चोरी की घटना है। चोरी की घटना का उद्भेदन नवगछिया पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। घटना के बाद से घटना के उद्भेदन को लेकर एसपी सुशांत कुमार सरोज ने तत्काल टीम गठित कर दिया। एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में टीम मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि पुलिस ने घटना की तह तक पहुंच जाने का दावा किया है। शनिवार को चोरी की घटना को लेकर नवगछिया पुलिस ने तीन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो चोरी की घटना में संलिप्त एक चोर की भी पहचान कर ली गई है। पुलिस चोरी किए गए सामानों की बरामदगी पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर रही है। इधर शहर में लगातार हो रही चोरी की घटना से शहरवासी में भय का माहौल बना हुआ है। आभूषण दुकान में चोरी होने से सबसे ज्यादा व्यवसायी वर्ग में दहशत है। शहर के लोगों ने आभूषण दुकान में हुई चोरी की घटना में संलिप्त चोरों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि जल्द ही चोरी की घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा और इससे संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। नगर पंचायत में सशक्त कमेटी की हुई बैठक, लिए गए कई निर्णय। नगर पंचायत कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन के नेतृत्व में सशक्त कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न मुद्दे पर चर्चा की गई। कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन ने बताया कि नगर पंचायत में बचे हुए वार्डों में लाइट लगाने को लेकर संवेदक को कहा गया है। उन्होंने बताया कि लगभग 1500 लाइट विभिन्न वार्डों में लगाए जाएंगे। वहीं स्टेशन रोड के दोनों तरफ सब्जी बेच रहे विक्रेताओं को चिन्हित कर जगह वैशाली होटल के पीछे दिया जाएगा। उस जगह पर नगर पंचायत इटा सोलिंग लाइट के साथ साथ सौंदर्यीकरण का भी कार्य करेगी। नगर पंचायत में बस स्टैंड व हाट का टेंडर भी जल्द ही निकाला जाएगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बाजार स्थित 3 शौचालय का भी टेंडर निकाला जाएगा। अगर टेंडर प्रक्रिया में किसी ने हिस्सा नहीं लिया तो उन शौचालय को नगर पंचायत अपने स्तर से रखरखाव करेगी। वहीं नगर पंचायत के 3 जगहों को भी चिन्हित कर लिया गया है जहां हाई मास्टर लाइट लगाई जाएगी। मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, उपाध्यक्ष अभिषेक रमन उर्फ टीएन यादव, पार्षद मुन्ना भगत, मदन शर्मा, सिकंदर शाह, सिटी मैनेजर अजहर हुसैन सहित कई अन्य मौजूद थे। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर ने आरपीएफ क्षेत्र का किया निरीक्षण। बरौनी सब डिवीजन के असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ सुकांत वर्धन ने शनिवार को नवगछिया आरपीएफ पोस्ट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय अभिलेख, स्टाफ की विभिन्न समस्याएं व मांग सहित सुरक्षा संबंधी कई दिशा निर्देश दिए। नवगछिया आरपीएफ इंस्पेक्टर पीएस दुबे ने बताया कि निरीक्षण के दौरान रेल क्षेत्र एवं रेलगाड़ी में सुरक्षा का निर्देश दिया गया है। साथ ही अनावश्यक चैन पुलिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही साथ रेलगाड़ी एवं रेल परिसर को अवांछित तत्वों से मुक्त कराने के लिए औचक निरीक्षण एवं नियमित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मौके पर आरपीएफ के सभी सिपाही सहित पदाधिकारी मौजूद थे। भागलपुर डीएम के निर्देश पर सीएस ने किया गोपालपुर पीएससी के लिपिक को निलंबित। डीएम के निर्देश पर सीएस ने पीएससी गोपालपुर के लिपिक सन्नी कुमार के कार्य में लापरवाही बरतने व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के निर्देश का पालन नहीं करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि एजेंसी से अभी तक किसी लिपिक की पदस्थापना नहीं किए जाने से कार्य में काफी परेशानी हो रही है। वाहन चेकिंग के दौरान 7 वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्र में लगातार वाहन चेकिंग अभियान एवं मास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को पुलिस जिले के थाना क्षेत्र में चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान में 7 दोपहिया वाहनों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के कारण पकड़े गए वाहन से कुल 7000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं मास चेकिंग अभियान में 58 लोगों को पुलिस ने सार्वजनिक स्थल पर गतिविधि करते हुए पकड़ा। पकड़े गए लोगों से 2900 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है।
कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंते नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ जहां उपलब्ध है AC, नॉन AC कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, DC फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। पानी विवाह भवन 0 माइल NS 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन।